पास्ता का मसाला बनाने के लिए हम प्याज लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, दो कट के धनिया पत्ता कट के आलू 6 पीस लिए हैं, एक रोस्टेड और चना दाल है, ये सूखा मिर्ची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेल गर्म हो चुका है, 3 से 4 टेबल स्पून तेल लेना है। पहले राई को अच्छे से फूट लेने देना है, उसके बाद सूखा मिर्ची डाल देना है। उसके बाद जो हमारा दाल लिए थे उसको भी डाल देना है। और एक कड़ी पत्ता है ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जो कटा हुआ प्याज था उसको भी डाल दे रहे हैं। प्याज को भाजेंगे गोल्डन कलर होने तक। प्याज हमारा अच्छी तरह भून चुका है, उसमें अब टमाटर डाल देंगे, कटा हुआ टमाटर जो था उसको अंदर डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आलू को अच्छी तरह मैस को देना है हाथ से ऐसा। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अभी उसमें हम आलू डाल देंगे और धनिया कटा हुआ धनिया जो किया था उसको डाल देंगे और भी इसको थोड़ी देर भाजेंगे। स्पेशल डोसा का मसाला रेडी है। चलो अभी हम नारियल का चटनी बनाते हैं। नारियल चटनी बनाने के लिए जितना आदमी खाए उसका हिसाब से नारियल लेना है। उसके बाद अदरक और मिर्ची, जितना स्पाइसी खाएंगे उतना लेना है। तो उसको मिक्सी में पीस लेना है, हम लोग पहले से पीस चुके हैं तो ऐसा बना। तो उसका तड़का लगाते हैं। चलिए तेल 2 से 3 चम्मच डालिए, उसके बाद चना का दाल और उड़द का दाल थोड़ा, और थोड़ा सा राई लेना है, 3 सूखा मिर्ची लिए हम, ऐसा तो जितना स्पाइसी का उतना लेना है। अच्छी तरह गोल्डन कलर हो चुका है, हम उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है। फाइनली लास्ट में थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालना है, उसके बाद इसको इसमें डाल देना है। नारियल का चटनी का तड़का रेडी है, खाने के लिए भी रेडी है। चलिए हम लोग का सब कुछ रेडी हो चुका है। ये सांभर है, ये आलू का मसाला है डोसा का, ये नारियल का चटनी है। अभी हम डोसा बनाने जा रहे हैं। तो डोसा के लिए हम रेडीमेड पाउडर यूज किए हैं गिट्स का। तो उससे उसको पहले 10 से 15 मिनट तक ऐसा घोल बना के रख देना है डोसा अच्छा बनने के लिए। तो चलिए डोसा बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। डोसा बनाने के लिए हम तवा ले लें, तवा को गर्म कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा पानी लिए हैं उसको चिकना करने के लिए, डोसा घुमाने के लिए। डोसा का घोल है तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। उसके बाद उसको हम हवा को साफ कर लेंगे। उसके बाद हम रेडी हो गया है, मस्त डोसा हुआ है। तो हम उसको सर्व करते हैं। डोसा हमारा रेडी है।
हम उसको बनाने के लिए अमूल का घी यूज कर रहे हैं। हमारा बहुत ही बढ़िया अपने यहाँ उठ चुका है। अभी इसको चुका है।